जान जाए। आज हम उनके घर आए हैं कि जानने की वो निजी जिंदगी में कैसी हैं, जो कि वो बहुत ही बेहतरीन डांसर भी हैं और साथ ही साथ मॉडल भी हैं। हाय, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि असल जिंदगी में हिना कैसे है? घरेलू टाइप, घर पर बैठने का, नेटफ्लिक्स देखना और अपना खुद का खाना बनाना, नाश्ता बनाना एंड ऑल दैट थिंग। शी इज लाइक मोर इनटू हर्सेल्फ। यू सेड कि आप टॉम्बॉय टाइप हैं, तो ये चेंजेस कैसे हैं? ये चेंजेस मेरे लाइफ में मेरे दोस्तों ने इन्वेंट किया है। आई वुड से जब मैं बाइक चलाती थी वगैरह, तो आई हैव नेवर टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ। सो उन्होंने कहा, उनसे वो लड़कियाँ थी, सो आई वॉज नॉट अ गर्ल टू बी वेरी फ्रैंक। उन्होंने मुझे कहा कर दी, हिना यू बीइंग अ गर्ल यू शुड गो टू द पार्लर, यू शुड डू वैक्सिंग, यू शुड डू द आईब्रोज एंड ऑल दैट थिंग्स। मैंने बोला तो पेन होता होगा बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं विल टेक यू टू द गुड वन वे यू डोंट गेट पेन एंड ऑल। आई वेंट देयर, आई डिड माई हेयर कट, आई वॉज लाइक अ प्रॉपर टॉम्बॉय, जो बाल ऐसे बांध के रखना एंड लाइक हाफ शॉर्ट्स पहनना, लूज टी शर्ट लाइक मैं डैड के टी शर्ट्स पहन कर होती थी। सो दैट्स हाउ दे आर द वन पर्सन बिहाइंड मी टू बी वट एवर आई एम इन टूडेज टाइम, टू ग्रूमिंग माई सेल्फ एंड टू अपग्रेड माई सेल्फ। दे आर द मेजर, माई फ्रेंड्स आर द मेजर स्पेक्ट अप बिहाइंड माई बीइंग अ गर्ल। जो भी आप हैं अभी यहाँ तक पहुँची, असल जिंदगी में आपका रोल मॉडल? असल जिंदगी में मेरा रोल मॉडल आई वुड से, अच्छा यू टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ पीपल बट नॉट माई इंस्पिरेशन, राइट? कि इंस्पिरेशन के वजह से मैं ये लेवल तक पहुँच सकती हूँ। इंस्पिरेशन इज दीपिका पादुकोण, वेरी फ्रैंक। और अगर आप लाइफ में अगर जिनके वजह से और जिनके जिसके बलबूते पे मैं यहाँ पे हूँ और मैं इतनी दुनिया घूम चुकी हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ माई डैड। कि आपने कहा कि आप कम हुए थे और सडनली ऐसे चीजें आ गए, आप डैड की टी शर्ट पहन चुके और फिर बाद में आप लड़की प्रॉपर हो गई, तो डैड का रिएक्शन और भाई बहन सिबलिंग्स की क्या रिएक्शन? डैड को आज भी लगता है मैं उनकी टॉम्बॉय नहीं थी, तो भी वेरी फ्रैंक। वो बोलते तू बदलेगी नहीं, मैं आज भी डैड के साथ चिल करती हूँ, बैठते हैं हम लोग। बट द वे आई टॉक विथ माई डैड, आई कैन नॉट टॉक विथ एनी वन, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ एवरीथिंग इन माई लाइफ। मतलब आज भी उन्होंने देखा है, उन्होंने यही एक्सेप्ट किया जल्दी कि हिना ने अपने आप को चेंज किया, शी इज डन फॉर अ गुड फॉर अ वर्क। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हिना इज माई हिना विच विल नेवर चेंज इन लाइफ बिकॉज माई नेचर हैज़ नॉट येट चेंज। होता ना एक लड़की होती है वो कंजर्वेटिव हो जाती है, वो कॉन्वर्जेशन सोच समझ के करेगी, वो बात नहीं करेगी, बट आई एम नॉट लाइक दैट। दो आई हैव चेंज विद माई ड्रेसिंग स्टाइल, बट माई नेचर हैज़ नॉट येट चेंज बिकॉज आई एम स्टिल फ्रेंडली, आई एम स्टिल बबली, I'm still a talkative girl, a way talkative girl. मैं तो कोई पक्की नहीं सकती। वो तो बात करने से पता चल रहा है कि हम बहुत ही talkative हैं। So I'm way talkative girl. So dad loves that about me, that I'm not changed. I'm not been a depression person at all in my life. अगर इनके इसको मेरी लाइफ में काम नहीं, तो माई डैड इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी। तू टेंशन में मेरे पीछे खड़ा होना, तो तू चल आगे, मैं आता हूँ पीछे। He's kind of that. So his tone is the way he talks with me. Like today also we had a bike ride together. He took me to the parlor. तो लाइक तू टेंशन मतलब मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, तो साथ में चल गए होंगे तो लोगों को लगता होगा कि नो नो बडी सेज दैट ही इज माई डैड। परसों मैंने एक अपलोड किया था मॉम के साथ फोटो, माई फ्रेंड मैसेज मी, शी इज सो यंग, शी डजंट लुक्स लाइक योर मॉम। ही माई डैड के बारे में, अरे तेरे डैड बिकॉज आई ऑलवेज थ्रोड अ बर्थडे पार्टी एट माई प्लेस और मेरे सारे दोस्त लोग आते हैं, सो लास्ट बर्थडे वॉज माई पैजामा पार्टी थीम और सारे दोस्त लोग आए थे, किसी ने बिलीव नहीं किया दैट वॉज माई डैड बिकॉज माई डैड वॉज ऑल्सो इन पैजामा एंड ही वॉज ड्रिंकिंग, ही वॉज एंजॉइंग एंड ही वॉज डांसिंग विद माई गर्ल्स एंड माई बॉयज। सो माई डैड देन नो बडी कुड एक्सेप्ट दैट दैट ही इज माई डैड एंड ही वॉज चिल। मतलब वो एक होता ना करके डैड का एक रिस्पेक्ट, तो माई डैड ऑलवेज केप्ट मी दैट ही हिना इज माई डॉटर कम माई फ्रेंड बिकॉज ही नेवर हैज अ गुड फ्रेंड इन हिज लाइफ, सो आई एम हिज फ्रेंड। लाइक ही शेयर्स हिज पर्सनल थिंग्स विद मी एंड आई शेयर माई पर्सनल थिंग्स विद हिम more than my mom I share with her. Global advertisers scaling new heights in outdoor media.